गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ सर की इजाज़त से। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरे हाथ में ये नोट्स का बंडल क्या कर रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ कुछ यूँ कि इनका नाम है तनिष और इन्होंने कुछ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है कुछ दिनों से, तो नहीं कहूँगा बहुत लंबे अरसे से। तो अचानक से इनका एक दिन टेस्ट लिया गया और बाकायदा इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो एक छोटा सा प्रोसीजर रखा गया है उसी परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे है और उसमें इन नोट्स का भी कुछ रोल है। तो पहले इन नोट्स को यहाँ बिछाया जाएगा इन सच ए वे ताकि जैसे ही ये बॉल फेंकें नोट्स फॉल हों इस टेबल पर, और जितने नोट्स फॉल होंगे इस टेबल पर वो नोट्स इन्हें मिलेंगे। नोट्स को कुछ ऐसे बिछाना है ताकि जैसे ही तनिष बॉल को हिट करे नोट्स पर और जितने नोट्स फॉल होंगे टेबल पर वो नोट्स इनके होंगे। तो चलिए बिछाते हैं हम लोग नोट्स और देखते हैं फिर रिजल्ट्स। तो नोट्स ऐसे बिछाने हैं आप लोगों को ताकि दो नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी दूसरे नोट्स या उन दोनों नोट्स को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, यानी कि एक नोट्स की वजह से दूसरा नोट नहीं गिर रहा हो। ठीक है? आप जैसा कि देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? बहुत ज़्यादा अच्छा। आपके लिए ऑब्वियसली सारे नोट्स बिछाए गए हैं। तो बताइए क्या लगता है कितने नोट्स होंगे आपके हिसाब से? 100। 100? श्योर? हाँ। श्योर हैं आप? जी। और आप लोगों को कितना लगता है कितने होंगे? 100। आप लोगों को पता था ऑब्वियसली। चलिए तो फिर हम लोग इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं रिजल्ट्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स बिछ चुके हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत से बिछाए हैं इन नोट्स को। और तनिष आपका क्या कहना है, क्या नर्वसनेस फील हो रहा है? चलिए तो थ्री के काउंट्स पे आपको ये बॉल फेंकना होगा और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने नोट्स गिरने वाले हैं वो काउंट होंगे। तो देखते हैं फिर रिजल्ट्स। 1 2 3 गो। चलिए ठीक है, अंदाजन 10 से ज्यादा या 10 से कम? 10 से ज्यादा। आपने काउंट कर लिया ना? नहीं। चलिए ठीक है, लेट्स तो फिर हम लोग नोट्स को गिनते हैं। सर वो नीचे से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 22 नोट्स फॉल हो चुके हैं और तनिष ने एज यू नो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए जानते हैं उनसे उनका अनुभव। तो तनिष कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा। I mean, expect नहीं किए थे कि इतना ज्यादा गिर जाएगा। यूं कहिए तो मैंने भी नहीं किया था। और सर आपका क्या मानना है, ज्यादा नोट्स गिरने चाहिए थे या कम गिरे?
गिरना तो और ज्यादा चाहिए था। और आप लोगों को क्या लगता है? सारे बच्चों का परफॉर्मेंस खेलकर या उभर कर बाहर आए, ये जस्ट एक फन गेम था उसके एजुकेशनल स्टेटस को दर्शाने के लिए उसने जब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो नोट्स शाम्भवी मुझे तो, और मैंने बताया आप लोगों को ये 22 नोट्स हैं, तो काउंट कर सकते हैं क्या? तो 1, 2, 3 21, 22 आप लोगों ने देखा ये 22 नोट्स हैं जो कि अब तनिष्क के हो चुके हैं। तो मैंने तो सर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन चलिए एक छोटी सी बात आप लोगों को और बताता हूं मैं, शायद आप लोगों को पसंद है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। और सर का मोटो यही रहता है कि बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट किसी स्टूडेंट से निकल सके, यानी कि जितना पोटेंशियल है किसी के अंदर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो सके। तो ये भी एक जरिया ही था तनिष्क के पोटेंशियल को बाहर निकालने का या दर्शाने का आप लोगों के सामने कि कितने पोटेंशियल है इस। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि टिल नाउ, मतलब आज के डेट तक, सर ने यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाया। तो आप सोच सकते हैं उनका डेडिकेशन लेवल और एजुकेशनल क्वालिटी के लिए सर कितने डिटरमाइंड हैं। और आप लोग जानते ही हैं सर फ्रेम पे ज्यादा नहीं आते हैं, इनफैक्ट बहुत कम ही लोगों ने इनको फ्रेम पर देखा होगा, ना के बराबर। हालांकि मैं अपने अनुभव को कुछ बताना चाहूंगा कि ये नोट्स को देखकर मुझे भी याद आ गया कि सर ने एक मतलब एप्रिसिएशन के लिए हम लोगों को भी कभी चेक दिया था, मौका मिलेगा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। चलिए अब इन्हीं कुछ शब्दों के साथ सर की इजाजत से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।